ननकाना साहिब से ही एक और दोस्त लिखते हैं कि हमें चंद दिन पहले से इन हालात के मुतलक अंदाज़ा हो चुका था और हम हर तरह से इंतज़ामिया को मुतनब कर रहे थे और बड़े से बड़े अफसरों को उतारें भी भिजवाई जा चुकी थी और फिर हम खुद मिलकर भी मुकामी और ज़िली इंतज़ामिया से गुफ्तगुशनीद करते थे, उनको बताते थे कि ये ख़तरात हैं और आपको मुनासिब इंतज़ाम करना चाहिए। कहते हैं एक मौके पर जब हम मुतलका एसी और डीएसपी से मिले तो उन्होंने कहा आप हरगिज़ फिक्र न करें, तमाम उलमा ने हमसे खुदा की कस्में खाकर वादा किया है कि हम सिर्फ जुलूस निकालेंगे, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए आप मुतमईन रहें, अपने घरों में बैठे रहें, जुलूस निकलने दें, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद ये खुदा की कस्में खाने वालों ने जो सलूक किया उसके मतलब लिखते हैं, बाकायदा प्रोग्राम बनाकर हमला आवरों को ग्रुपों की शक्ल में तरतीब दिया गया था। तकरीबन एक घंटे के अंदर अंदर सारे अहमदी घरों को जलाकर खाकिस्तर कर दिया गया। खाकसार ने अभी 4 माह पेशतर नया मकान तामीर किया था, अभी उस मकान का 55,000 कर्ज भी वाजिबुल अदा था कि इस्लाम के नाम नहाद ठेकेदारों ने 12/4/87 को मकान को शदीद नुकसान पहुंचाया। मकान के 2 कमरों की छत और फर्श बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और घर का हर किस्म का असासा नजर आतिश हो गया है। खाकसार का ज़ाती रिकॉर्ड भी ज़ाया हो गया है। ज़ालिमों ने हमारे सिर्फ ज़ेब तन कपड़े छोड़े और हर किस्म के पारचा जात भी नजर आतिश कर दिए। सिर्फ एक चीज़ यानी एक गैर अहमदी दोस्त का मोटरसाइकिल बचा, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा वक्त नहीं था कि मैं चंद मिनट के अंदर अंदर उस मोटरसाइकिल को किसी महफूज जगह पहुंचा दूं, क्योंकि वो किसी की अमानत थी। इसी कैफियत को बयान करते हुए हौला बिंत डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब लिखती हैं, 12 अप्रैल को सुबह सुबह हम जागे तो ऐलान हुआ कि कादियानियों के खिलाफ जुलूस निकाले जाएंगे। हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो जानी और माली नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाए हुए हैं। एकदम जुलूस शोलों से भड़कता हुआ हमारे घर की तरफ आ गया। हमारे हमसायों ने हमें पनाह दी। जब वो पहले मस्जिद में गए तो उन्होंने मस्जिद के मीनार गिराए तो मेरी वालदा ने मेरे अब्बा जान को कहा कि मस्जिद की हिफाजत के लिए जैसा भी हो सके ज़रूर पहुँचो। तो मेरे अब्बा जान और मेरे बहनोई सुल्तान अहमद साहब मस्जिद की हिफाजत के लिए चले गए। उन्होंने इन दोनों को बहुत मारा पीटा। मेरे अब्बा जान तो अभी तक चल फिर भी नहीं सकते और ना उठ बैठ सकते हैं। दोनों शेखुपुरा अस्पताल में जमात अहमदिया की तरफ से ज़ेर इलाज हैं। उनकी गैर मौजूदगी में मुखालिफीन हमारे घर आए और सारा घर तबाह बर्बाद कर दिया। कीमती सामान तो एक तरफ, सर छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी। लिखती हैं कि मैं फर्स्ट ईयर की तालिबा हूं और थोड़े दिनों के बाद हमारे पेपर भी शुरू होने वाले हैं। मेरी पढ़ाई वाली भी तमाम किताबें जला दी गई हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इम्तिहान में कामयाब करें। खादिम मस्जिद के भी हिफाजत के लिए गए हुए थे, उनको भी ज़ख्मी कर दिया गया और उनके बच्चों को आग में गिराने की कोशिश की गई लेकिन खुदा के फरिश्तों ने उन्हें आग से निकाल लिया। मेरी बहनोई के सर में कील ठोंके गए लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फजल से उसको मुस्तकिल नुकसान से बचा लिया। ये लंबे किस्से हैं। ये चंद दिन की उसके ननकाना साहब के वाक्य के चंद दिन के बाद की डाक है। इससे आप अंदाज़ा करें कि हर रोज़ किस किस्म के खतूत मुझे मिलते हैं जो सारे के सारे मबनी बर हकायक हैं, कोई मुबालगा नहीं। आंखों देखा किसी बच्चे ने अपना दिल का हाल बयान किया, किसी बड़े ने अपने माहौल की कैफियत बयान की। सारे पाकिस्तान की जमात शदीद दुखों में मुबतला है। एक खातून ननकाना साहिब ही से
आंखों देखा हाल बयान करते हुए लिखती हैं, इंतज़ामिया ने चूंकि हमें बहुत तसल्ली दी इसलिए हम आराम से घरों में बैठ रहे। एक दिन सुबह इसी तरह बैठे हुए 10 मिनट पहले हमें इत्तला मिली कि मेरे भाई के घर को और मस्जिद को जला दिया गया है। मैंने जल्दी में एक बिस्तर की चादर उठाई और ओढ़कर अपने भाई के घर जाने लगी। मेरे मियाँ जल्दी से छत पर चढ़े तो देखा कि मिर्ज़ा अल्ताफुर रहमान के घर की तरफ से शोले उठ रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जल्दी बच्चों को लेकर कहीं चली जाओ, शहर की तरफ न जाना और मैं घर पर रहता हूँ। मैं अपने तीनों बच्चों को साथ लेकर उसी चादर के साथ निकल खड़ी हुई। समझ नहीं आ रही थी कि किधर जाऊँ। खुदा ताला ने ना जाने मुझ में कहाँ से हिम्मत डाल दी और अक्ल दी। मैंने फौरन कॉलोनी को छोड़ा और आध मील पर गंदम के खेतों की तरफ चली गई। इधर बच्चे शहर से धुएं के बादल देख देख कर रो रहे थे कि उम्मीद जल्द जाओ और अब्बू को भी लेके आओ। चाँचे मैं घर की तरफ भागी और घर से जब आग के शोले भड़कते हुए देखे तो मैं पागल सी हो गई। मैं दीवाना वार उस आग में कूद पड़ी और अपने खावन को आवाज़ें देने लगी। तब हमसाए की तरफ से मुझे आवाज़ आई कि बीबी आ जाओ, तुम्हारे खावन को हमने अपने घर में पना दी है। तब मालूम हुआ कि गो वो तो शहादत के लिए तैयार बैठा था मगर हमसायों ने ज़बरदस्ती उसका बाजू पकड़ के घसीट कर उसे अपने घर में पना दी। कहते हैं कि जो खावन बैठा दूसरे घर में ये सारा नज़ारा बातें सुन रहा था, सारे वाक़यात की बरह रास्त उसको इतला हो रही थी। वो कहते हैं कि मुसलसल जो चीज़ें लूटने वाली थीं वो लूटी गईं और बाद में ढेरियां बना बना कर सामान को आग लगाई गई, फिर सारे घर को आग लगाई गई और ये देखा गया कि कोई चीज़ भी ऐसी बच ना जाए जो नज़र आतिश ना हो। कहती हैं उस वक्त मेरी ये हालत थी कि मैंने फिर जब मैं घर पहुंची हूं तो जो आग सुलग रही थी उस पर मैंने देगची से पानी भर भर के डालने शुरू किए और दोपहर का वक्त हो गया, 1:30 बज गया। मैं वुज़ू करने बैठ गई। जब मैंने वुज़ू करते हुए कलमा पढ़ा तो जो लोग इर्द गिर्द तमाशबीन इकट्ठे थे उनमें से एक ने कहा कि समझ नहीं आ रही, कलमा तो हमारा ही पढ़ रही है। ये अजीब बात है, इस कदर झूठ बोला गया है पाकिस्तान में, इस कदर नफ़रत की हवाएं चलाई गई हैं कि जो इर्द गिर्द रहने वाले हमसाए हैं वो भी ये यकीन कर बैठे हैं कि गोया नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक अहमदियों का कलमा और है। कहते हैं उस वक्त, कहती हैं उस वक्त मेरा सब्र का बंधन टूट गया। मोहल्ले वाले लोग मेरा हशर देख रहे थे। किस वक्त सब्र का कलमा टूट, सब्र का पैमाना टूटा वो और वाक्य है। लिखती हैं कि उस वक्त मलबे से जब मैं मलबे में तलाशी ले रही थी कि कोई चीज़ बची हो तो जले हुए कुरान के टुकड़े नज़र आए। उस वक्त मेरा सब्र का पैमाना टूट गया। मोहल्ले वाले मेरा हशर देख रहे थे और मेरे मुंह पर यही जुमला था कि लोगों मुझे सामान की परवाह नहीं, मुझसे ये कुरान मजीद का हशर नहीं देखा जा रहा। मोहल्ले वाले लोग भागम भाग मेरी आवाज़ पर दोबारा इकट्ठे हो गए। उनकी मौजूदगी में एक और ताज कंपनी का कुरान करीम भी इसी तरह जला हुआ मिला। ये अपने घर बच्चों को तालीम दिया करती थी, गैर अहमदी बच्चे ही पढ़ने आते थे इसलिए वो बता रहे हैं, लंबी कहानी है कि किस तरह गैर अहमदी बच्चों के छोड़े हुए कुरान करीम भी जब जले हुए उन्होंने देखे तो फिर वो सारे घर गाँव में सारे कस्बे में वो खुद वो कुरान ले लेकर फिरे कि ऐसे ज़ालिम लोग हैं कि कुरान के जलने का बहाना बनाकर ये खुद कुरान जलाने वाले हैं।